यहाँ पर है और एक चीज यहाँ पर है, एक चीज यहाँ पर है। अब दोनों में तुलना हो रही है मेरे भाई साहब, यहाँ पर दोनों में तुलना हो रही है। ये चीज अलग है और ये चीज क्या है? अरे ये तो कछुआ ना है, दूसरे जाति का ना है, ये किस जाति का है? मानव जाति का। इसकी तुलना किससे हो रहा है मेरे भाई साहब? इस कछुए के साथ। डिफरेंट चीज है कि सिमिलर चीज है? डिफरेंट चीज है ना, तो डिफरेंट चीजों में इसमें समानता क्या मिला है? दौड़ने का मेरे भाई साहब, ते दौड़ने की समानता मिली है। जो दौड़ रहे दोनों को क्वालिटी में ऐसे कर रही है मेरे भाई साहब, इसलिए इसे हम लोग बोल दे रहे हैं दिस इज द सिमिली, दिस इज द सिमिली, दिस इज द सिमिली। कौन सा फिगर आप इस पीछे मेरे भाई साहब? अगर हटा देना देख, अगर हटा देना नहीं आया, आ गया। Yes, sir! अलंकार कहता क्या है? अलंकार का मतलब शोभा बढ़ा, जैसे शादी विवाह में लड़की का शोभा बढ़ा दिया जाता है, किसके माध्यम से? आभूषण के माध्यम से, वस्त्र के माध्यम से, तमाम प्रकार से ब्यूटीशियन क्वालिटी डाला जाता है, तब जाके उस लड़की की क्वालिटी, नहीं तो फिर नॉर्मल है वैसे कोई ना ही ना, अच्छा नहीं लगेगा, कहेंगे लड़की खराब है यार, लड़की तो अच्छी थी। नहीं समझ में आ रहा है ना? तो वहां पे भाई आभूषण कुछ शब्द है ना, तो हम लेकिन हम लोग फिगर ऑफ इस शब्दों को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? इसमें क्या जरूरत है? शब्द का पावर, यही शब्द का पावर समझ में आ रहा होगा। शब्दों में भी पावर होता है, क्या होता है बताओ? फिगर आप इस पीछे क्या है यार? अरे डिग्री मेरे भाई साहब, इतना अच्छा आप लोग हो गए हैं इतना जल्दी। अरे क्या यार, हम तो नहीं समझते थे कितने जल्दी बन जाओगे इतने अच्छे। अभी तो चार छठ मारा मारेंगे ना एग्जांपल, हवा मुड़ोगे, वाह, अब दोबारा कभी जिंदगी में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बजा के ले चले कि ठोक के ले चले? ठोक के और बजा के दोनों से ले चलिए सर, और तब मजा आएगा। जितना रौनक आप देंगे उससे ज्यादा रौनक तो। पार्षद स्पीच को हमने पूरा एंड कर लिया। आज जो टॉपिक चालू होने वाला है वो अपना टॉपिक है दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच। क्या चालू होने वाला है? फिगर ऑफ स्पीच, FIGUR, फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहला काम कि जो ये फिगर ऑफ स्पीच लगा है, हम इसे पढ़ने क्यों जा रहे हैं मेरे दोस्त? सबसे पहला काम ये है कि हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने क्यों जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? फिगर ऑफ स्पीच में मिलेगा क्या, क्या इसमें कुछ अलग बातें मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो कहा जाएगा फिगर ऑफ स्पीच अगर आपको पढ़ना है, ध्यान से देखना है या समझना है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि सबसे पहला काम ये फिगर ऑफ स्पीच यही आपके क्लास तक सीमित नहीं है, ये फिगर ऑफ स्पीच किसी भी एग्जाम के लिए, SSC का ले लीजिएगा, UPSC का ले लीजिए, जो भी एग्जाम होते हैं, यहाँ तक कि हाई स्कूल इंटर या छोटी लेवल में अब पूरा डालना शुरू कर दिया गया है इसको, कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका यूज कहाँ हम लोग कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, इसको किस तरीके से बोलते हैं हम लोग। तो इसको बोलने के लिए सबसे पहले हम भाई साहब ने कुछ शब्दों के ऊपर बात करेंगे, तो फिगर ऑफ स्पीच तब जाके बात समझ में आएगा फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। जैसे हिंदी में आप लोग अलंकार पढ़े होंगे मेरे दोस्त, जैसे हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे, हिंदी में आपको समझाया जाता है कि अगर आप हिंदी में उन शब्दों को बोलते हैं तो आपकी बातों में चार चांद आ सकती है। क्या आ सकती है मेरे दोस्त? चार चांद लग सकते हैं। तो चार चांद लगाने के लिए ही फिगर ऑफ स्पीच को इंग्लिश में बोला जाता है फिगर ऑफ स्पीच। हिंदी में हम लोग अलंकार बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसी को फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है, इसी को हिंदी में क्या बोला जाता है? ठीक है ना, जैसे तू धूप हो तू चांद हो, ये वाला गाना सुने होंगे आप लोग, चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, जो भी है ये वाला सुने कि नहीं? पका पेड़ पर पका पपीता, ये क्या है सभी है? ये बोलने की क्या जरूरत है? गाना में ऐसा क्यों डाला जा रहा है? तो मेरे भाई साहब गाना में इसलिए डाला जा रहा है ताकि उसकी वैलिडिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, उसकी महत्व क्या हो जाए, बढ़ जाए। इन चीजों को बढ़ाने के लिए ही हम फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग करें और शब्द या जो बात बोल रहे हैं उसकी वैलिडिटी, क्वालिटी और पहचान या जो भी शब्द बोलना चाह रहे बढ़ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। उसी शब्द को हम लोग बोलते हैं वह शब्द जो हमारी बातों को अट्रैक्टिव बना दे, इफेक्टिव बना दे, इंप्रेसिव बना दे, ब्यूटीफुल बना दे, इन शब्दों को कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच।
उस शब्दों को क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले आपको एक बात और थोड़ा सा तुलनात्मक शब्दों से बताएंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री पढ़े होंगे मेरे दोस्त, डिग्री कहां पर, एडजेक्टिव में। तो कहीं ध्यान दीजिएगा, इसका डिग्री का अंतर न लग जाए नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, टीचर नहीं बता पाते हैं। फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाते हैं लेकिन बच्चा को नहीं समझा पाते हैं कि डिग्री क्या होता है। तो हम यहाँ पे भी समझाएंगे लेकिन आपको डिग्री से रिलेट करवाएंगे। पता चला हमने लिखवा दिया फिगर ऑफ स्पीच, कोई पूछ दिया बताओ फिगर ऑफ स्पीच है कि नहीं, या कहीं एग्जाम में तो एसएससी में ऐसे ही पूछेगा, यूपीएससी में तो ऐसे पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा फिगर ऑफ स्पीच है कि नहीं है, डायरेक्टली दे देगा जैसे लगे फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन वो फिगर ऑफ स्पीच नहीं रहेगा, वो डिग्री रहेगा। वह क्या रहेगा, डिग्री रहेगा। तो मैं आपको इस तरीके से आपको लेकर चलूंगा। सबसे पहला काम की जो क्लास होने वाला है बहुत हाई क्वालिटी का रहेगा, ठीक है ना। तो हम आज दोस्तों जो पढ़ने जा रहे हैं वो फिगर ऑफ स्पीच हो रहा है, मतलब हमारी बात को ये क्या करने वाला है, इफेक्टिव बनाने वाला है, इंप्रेसिव बनाने वाला है और अट्रैक्टिव बनाने वाला है। चले आज चले अब आगे, बहुत अच्छा। तो फिगर ऑफ स्पीच का अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, दैट वर्ड्स आर फ्रेजेस। बोलिए मेरे दोस्त, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अगर यहाँ पे कट रही है इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इस बात को किधर लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लैंग्वेज, एल ए एन जी यू ए जी ई, वह शब्द या फ्रेज जो आपके भाषा को बना दे मोर इफेक्टिव, बहुत ज्यादा प्रभावशाली, इम्प्रेसिव, आकर्षक बना दे, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर बना दे, और वही शब्द क्या कहलाता है, फिगर ऑफ स्पीच। सही बात गलत बात, जैसे लेटर सपोज दैट आपको अगर हम बोलते हैं यू स्टडी वेल, एक तो हमने ये शब्द बोल दिया मेरे भाई साहब, आपको समझ में आना चाहिए यू स्टडी वेल, आप पढ़ाई करते हैं, नॉर्मल शब्द बोला गया। देखिए भाई, ये शब्द जैसे बोलते हैं लोग वही शब्द बोला, आप अच्छे से पढ़ते हैं, आप मन से पढ़ते हैं, सही समझ में आ रहा है ना। अब हम बोल रहे हैं यू स्टडी लाइक वेन। अब मुझे बताइए आप पढ़ाई जो करते हो वो किस तरीके से पढ़ते हो मेरे भाई साहब, हवा की तरह कैसे पढ़ाई करते हो। अब आपकी बात कैसे हो गई मेरे भाई साहब, नॉर्मल है कि थोड़ी हवा में हो गई, अब मतलब इतना फर्राटेदार पढ़ते कि उसकी कोई सीमा, थोड़ी बात में थोड़ा इंप्रेसिव होना चाहिए, बात अट्रैक्टिव कैसे बनेगा मेरे भाई साहब, शब्दों के हिसाब से कैसे बनेगा, शब्दों के हिसाब से। तो मैंने क्या बोल दिया, यू स्टडी लाइक विन, आप किसकी तरह पढ़ाई करते हैं, सही समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में, फिगर ऑफ स्पीच का योगदान समझने का प्रयास करना, बहुत ही अट्रैक्टिव वर्ड होते हैं फिगर ऑफ स्पीच, जो आपकी भाषा को चार चांद लगा सकता है, आपकी भाषा को क्या कर सकता है, चार चांद लगा सकता है। तो समझने का प्रयास करना, जैसे हम अगर हम बोल रहे हैं आकाश रन्स फास्ट, आपको मेरे दोस्त क्या समझ में आ रहा है, आकाश तेज दौड़ता है, सही बात है गलत बात है, सही बात है ना। अगर देखिए थोड़ा सा अगर हम बात अट्रैक्टिव बनाना चाहें, आकाश रन्स अ लायन, मुझे बताइए किसकी तरह, लाइक अ लायन। अब मुझे बताइए मेरे भाई साहब, इस शब्द में और इस शब्द में क्या परिवर्तन है, अब थोड़ा समझने का प्रयास कर। आकाश रन्स, आकाश दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, आकाश तेज दौड़ता है, तो कैसी बात है, नॉर्मल शब्द है, कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं, जैसे लोग बात करते हैं वही शब्द है, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या भिड़ा दिया मेरे भाई साहब, आकाश तो दौड़ता है लेकिन कैसे, लाइक अ लायन, शेर की तरह, मतलब तेज दौड़ता है लेकिन उससे भी तेज, कहां गई बात, वैल्यूएशन में। मतलब यहां पे क्या होगा मेरे भाई साहब, हम कंपैरिजन करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच में, दो या दो से अधिक चीजों में, दो चीजों में क्या करेंगे, कंपैरिजन, तुलना, क्या करेंगे,
तो अगर फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो अपने शब्दों में जान लाने के लिए, किसके लिए भाई साहब और किसके हिसाब से? कंपेयर करते हुए मेरे भाई साहब, हमेशा कंपेयर शब्द का नाम आएगा। फिगर ऑफ स्पीच जैसे बोला गया तुरंत इसमें क्या एग्जिस्ट करना है? कंपेयर, मतलब दो चीजों में कंपेयर होगा। अगर कंपेयर नहीं हुआ दो चीजों में तो फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा। फिगर ऑफ स्पीच होने के लिए दो चीजों में कंपेयर होना अति आवश्यक है। अगर दो चीजों में तुलना नहीं है, समान चीजों में तुलना हुआ तो वह क्या कहलाएगा मेरे भाई साहब? डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर हम आपसे बोल दें मेरे भाई साहब, यहाँ पे मुझे बताना, यहाँ पे जो हम शब्द लिख रहे हैं, आकाश, आकाश इज लाइक हिज फादर, हिज फादर। अब मुझे बताना, जितने लड़के पढ़ रहे हैं भाई साहब, थोड़ा भी पढ़ाया नहीं गया लेकिन यहाँ से आप बता सकते हैं क्या? आकाश इज लाइक हिज फादर, आकाश अपने पिता के जैसा है। जरा बताना तुलना हुआ कि नहीं हुआ है? दो अलग अलग चीज भी है क्या? नहीं है, दो चीज अलग अलग। कौन कौन से है? इधर भी मानव है, इधर भी मानव, मानव मानव में तुलना हुआ, दोनों अलग चीजें नहीं है। अतः ये क्या नहीं है? फिगर ऑफ स्पीच अतः ये फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। यहीं पर अगर कुछ हम दूसरा लिख रहे जैसे आकाश इज लाइक अबुल, तो समझ में आ गया तुरंत क्या हो जाता है? फिगर ऑफ स्पीच। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? अभी थोड़ा पेशेंस रखना, आज लगभग हम दो तीन टो खत्म कर देंगे, लेकिन जितना खत्म करें उतना भेजे में जाए। ऐसा लगे कि हम शॉर्ट है, फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन इसमें से 10-15 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा है, 4-5 है, ठीक है ना? हम लगभग 8-10 कवर कर देंगे, पेशेंस रखना थोड़ा सा, आगे का यूपीएससी कोई रहेगा ताकि वहां दिक्कत ना हो, ठीक है? कहीं भी एग्जाम में बैठिए तो सबसे पहला काम कि जो हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं आपको एकदम माइंड में घुसेर ही देंगे कि ऐसा ना हो कि वो फिगर ऑफ स्पीच याद करना पड़े। फिगर ऑफ स्पीच याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। बस चलिए भाई आगे चले, हम लोग इसको नोट डाउन करिए। यह फिगर ऑफ स्पीच है कि नहीं है? ये पहले बताओ, पहले ये फिगर ऑफ स्पीच है कि नहीं है? यह है क्या? डिग्री है क्या मेरे भाई साहब? डिग्री है, यह है मेरे भाई साहब डिग्री है। ये फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, ये क्या है? डिग्री है। क्लियर है? चलो ठीक है, चलते हैं फिगर ऑफ स्पीच पहला नंबर लगाते हैं, नोट करिए। तो दोस्तों जो हम लोग फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं, फिगर ऑफ स्पीच तो उसे थाउजेंड्स होते हैं। कितने होते हैं? थाउजेंड्स होते हैं। अब थाउजेंड में से हमें पढ़ना कितने? बहुत कम पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पूरा थाउजेंड 100 पढ़ लेना है, ठीक है ना? फिगर ऑफ स्पीच बहुत होते हैं, लेकिन उनमें से आपके क्लास में या आगे जो तैयारी लेवल है या जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें से आप लगभग 15 आपको पढ़ना पड़ेगा। कितना? कम से कम 15, कम से कम कितना? लेकिन हाई स्कूल और इंटर की बात करें मेरे भाई साहब तो यहाँ तक लगभग 5-6 दिया है, इंटर तक 6 दिया है मेरे भाई साहब, 6 से ऊपर नहीं दिया है। और 6 जो दिया है मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। और बाकी हाई स्कूल लेवल से बात करें तो इसमें सबको लगभग 4 पढ़ना है। हाई स्कूल लेवल से बात करें तो कितना पढ़ना है? 4 पढ़ना, लेकिन ध्यान रखिएगा सब में कवर करना है पूरा 15 हम लोगों को, लेकिन ठीक है ना? क्योंकि दिमाग में घुसा देंगे तो सही बात रहेगा गलत बात रहेगा? तो पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें लगने है सिमिली एंड मेटाफर, सिमिली एंड मेटाफर दोनों एक साथ। देखिए भाई, हम लोगों का जो पढ़ाई होना चाहिए ना कंपैरेटिवल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कंपैरेटिवल। अगर वो कंपैरिजन के साथ नहीं हो रहा है तो समझो कि हम उसमें विभेद नहीं कर पाएंगे। सिमिली पढ़ा अलग तरीके से, मेटाफर पढ़ा अलग तरीके से, उसमें अंतर क्रिएट नहीं कर पा रहे मेरे भाई, सब तो बड़ी समस्या हो जाएगा। तो हम इस चीजों को ऐसे लेते हैं कि जब उसमें और इसमें समानता है तो दोनों को एक साथ लगाते हैं। क्या लगाते हैं मेरे भाई साहब? एक साथ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर भाई साहब? सिमिली के ऊपर। तो मेरे भाई साहब यहाँ अपने पास लगने वाला है जो मेटाफर या सिमिली जो लगने वाला है, SIMILE। दूसरी तरफ मैंने लिखा मेटाफर, मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है दोस्तों रूपक अलंकार। क्या होता है? रूपक अलंकार। भाई हिंदी नहीं लिखना है, ठीक है ना? रूपक अलंकार एक बता दे रहे हैं, लेकिन हिंदी नहीं लिखवाना है मेरे भाई साहब, अब ध्यान में रखना है। और इसका मतलब मेरे दोस्त उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार मेरे भाई साहब? तो आपको पता है कि सिमिली हम लोग हिंदी में भी यही पढ़े हैं, हिंदी में भी पढ़े रूपक अलंकार और उपमा अलंकार, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो वही बात यहाँ पे टोटली इंग्लिश में रहेगा मेरे भाई साहब। तो ध्यान से थोड़ा समझने का प्रयास करना क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हेडिंग है कक्षा 12 में, यह तो पक्का ही पक्का इसमें से एक आता है, या कहीं लिखना भी होता है पक्का है कि इसी में से आएगा, कोई काट नहीं सकता इसमें से। ना मिले तो आकर हमसे बोलिएगा सर नहीं आया है, ठीक है ना? तो क्या होता है सिमिली? पक्का है पक्का। और हाई स्कूल और
हाई स्कूल और इंटर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी तो आगे तो इतनी इम्पोर्टेंट है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आप स्पीच दे रहे हैं और स्पीच में अगर इन शब्दों का प्रयोग कर दे रहे हैं, फिर देखना आपकी चार चांद ना लग जाए तो फिर कहना आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, सम्मान बढ़ जाएगी हर तरीके से। अब बोलने का प्रयास करिएगा तब आएगा ऑटोमेटिक। तो सबसे पहला कि जो हम लोग ये सिमली पढ़ने वाले हैं कि सिमली होता क्या है। सिमली कुछ नहीं होता है, मेटाफर भी कुछ नहीं होता है, यह है दोस्तों तुलना करने वाला एक शब्द है जो आपकी भाषा को क्या कर देता है, उठा देता है। तो यही शब्द को हमें परखना है क्या हो सकता है। तो सबसे पहला काम की जो सिमली हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई साहब, पहले नंबर की बात करें तो तुलना किया जाता है। क्या किया जाता है? तो यहाँ भी तुलना किया जाता है और यहाँ भी तुलना किया जाता है। डिग्री में भी तो तुलना किया जाता है मेरे भाई साहब, थोड़ा सा अंतर क्रिएट कर लो। डिग्री डिग्री क्या होता है, नहीं तो परेशान करोगे मेरे भाई साहब। डिग्री में भी इसमें भी तुलना किया जाता है मेरे भाई साहब, लेकिन इसमें भी तुलना किया जाता है मेरे भाई साहब। लेकिन ध्यान रखना तुलना तो दोनों में हो रहा है, ये डिफरेंट चीजों में होता है मेरे भाई साहब। ये कहाँ होता है भाई साहब? ये डिफरेंट चीजों में तुलना होता है, और डिफरेंट चीजों में अगर तुलना जब करते हैं तो वह कहलाएगा फिगर ऑफ स्पीच। और सिमिलर चीजों में अगर तुलना करते हैं, सेम चीजों में तुलना करते हैं मानव का मानव से, तो वह डिग्री कहलाएगा। पेड़ का पेड़ जाति से, जानवरों को जानवर की तरह से, अगर अब क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगा? डिग्री। तो सिमिलर चीजों में जब तुलना होता है, एक जैसा चीजों में तुलना होता है तो डिग्री, और डिफरेंट चीजों में तुलना होता है तो मेरे भाई साहब फिगर ऑफ स्पीच। पहले अंतर क्रिएट होना चाहिए, नहीं तो अंतर क्रिएट नहीं कर पाओगे। एग्जांपल लिख पाएंगे तो लिखेंगे तो कहोगे अरे सर एक तो अभी फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा है, एक ऐसे डिग्री हो गया। तो चले आ गए अब ना, तो ध्यान यहां भी होना चाहिए कि क्या होता है डिग्री और क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच। तो चले मेरे दोस्त आगे, एक बार इजाजत दीजिए तो फिर आगे बढ़े। तो बताइए मेरे दोस्त क्या लिखेंगे इसमें? कम यानी इट इज यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन टू, मेरे भाई साहब मेरे दोस्त साहब थोड़ा ध्यान दीजिए, यह कहां प्रयोग किया जाता है? ये जो प्रयोग करते हैं, इस शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं, यानी दो चीजों में तुलना करने के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, ये शब्द क्या आएगा अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। और वही चीज यहाँ पर भी है, पहला लाइन, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में समानता क्या है। लोग कह देते हैं सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है। मेटाफर की बात करें तो मेटाफर इज लाइक एज अ सिमिली, तो लोग ऐसे डिफिनेशन हो गया खत्म। लेकिन ये काम नहीं करना है मेरे भाई साहब, ये ना पहले ये समझ में नहीं आया तो यहां कहां से आएगा। तो दोनों दोस्त एक ही चीज है, तो क्या बोलेंगे? इट इज आल्सो यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन। तो दोस्त देख रहा है दोनों का डिफिनेशन क्या जा रहा है, अभी तक पहली लाइन सेम जा रही है, अभी तक दोनों बातें दोनों में क्या हो रहा है, सेम। मैंने क्या लिखा है? इट इज यूज टू कंपेयर बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स, या दो चीजों में तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये क्या किया जाता है मेरे दोस्त? यह भी दो चीजों में तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बात नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास करो। डायरेक्ट हम डिफिनेशन लिखवा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। डिफिनेशन में यही पॉइंट डालेंगे, यह पॉइंट बना रहे ताकि आपको समझ में आए पहले कि सिमिली क्या होता है और मेटाफर क्या होता है, ठीक है ना। तो दूसरी अगर पॉइंट हम बात करें, हैविंग वन क्वालिटी सेम पहली बात, और इसमें जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसमें और उसमें क्वालिटी सेम होनी चाहिए, तभी तुलना कर पाएंगे, नहीं तो तुलना नहीं कर पाएंगे मेरे भाई साहब। अगर तुलना अगर करना है तो दोनों में क्वालिटी क्या होना चाहिए? सेम मिलना चाहिए, कम से कम एक क्वालिटी मिलनी चाहिए, तभी तुलना करोगे। हम चट्टान से तुलना क्यों करते हैं कि तुम चट्टान हो, तो चट्टान क्यों बोल रहे हैं? अगर हम बोल रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन बोला, क्या वो लोहा के बने हैं? लोहा है, लोहा नहीं तो क्यों आयरन मैन बोल रहे हैं भाई साहब हम? एक ही कारण, उनके अंदर की क्वालिटी जो मैच कर रही है वो लोहे के जैसा मैच कर रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आयरन मैन। क्यों आयरन मैन बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो बात वही चीज समझा रहे हैं मेरे भाई साहब। तो मैंने वही लिखा हैविंग वन क्वालिटी इज सेम
क्या होना चाहिए मेरे भाई साहब? हैविंग वन क्वालिटी इज सेम, हैविंग ए क्वालिटी सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। वही बात यहाँ पर भी है। दूसरी पॉइंट की बात करें, हैविंग वन क्वालिटी, हैविंग वन क्वालिटी, अभी तो दोनों में बातें सेम समझा रहा है, तो डिफरेंस क्या है बता रहे हैं मेरे भाई साहब, ठीक है ना। हैविंग वन क्वालिटी सेम, थोड़ा देखने का समझने का प्रयास करना आप। अगली जो लाइन है यही कड़ी से चेंज होने वाला है दोनों में डिफरेंस, अभी तक दोनों बातें सेम जा रहा था। इसमें क्या होगा मेरे भाई साहब, जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं वह इसमें शब्द एग्जिस्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर यह ना तो सिमिली कहलाएगा और सीधा चला जाएगा मेटाफर। तो दोनों में है यूजिंग, यूजिंग ध्यान दीजिएगा क्या यूज करते हैं इस शब्द में, यानी कि जब सिमिली लिखते हैं तो इसमें क्या यूज करते हैं और इसमें क्या यूज नहीं करते हैं। तो यूजिंग एज, लाइक, सो, इन शब्दों का अगर जिक्र कर रहे हैं तभी ये सिमिली हो पाएगा, अन्यथा वो सिमिली नहीं होगा मेरे भाई साहब। इन शब्दों से तुलना करते हैं, जो तुलना करते हैं तुलनात्मक शब्द है, ये शब्द लगना लगा होना चाहिए। जैसे अभी शुरुआत में फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाते वक्त फिगर ऑफ स्पीच में दो तीन एग्जांपल दो हमारा, तो देखिए उसमें लाइक लगा होगा मेरे भाई साहब, लाइक हटा दिया ना, लाइक हटा दिया ना, ये बन जाएगा मेरे भाई साहब, जहां मैंने लिखा लाइक वहां हटा दो, आपका एग्जाम्पल बन जाएगा मेटाफर का। यही है मेटाफर और यही है सिमिली, बहुत ही आसान शब्द है। जो हिंदी में बात करता है वही बात कहां पर है मेरे दोस्त, इंग्लिश में भी। कम पढ़ो लेकिन जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो। आज पढ़ लिया एक, क्या होता ना कई एक सीरीज में पूरा 10-12 पढ़ा देते हैं, एक 10-12 पढ़ा के ना इधर का हम हो पाते हैं और ना ही इधर का हो पाते हैं। तो आपको पढ़ाई करना, जितना पढ़ो करे कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ लो, उतना कंप्लीट हो जाना चाहिए, दोबारा जिंदगी में पढ़ने का मौका ना मिले, इसको खत्म कर दो। अरे कहां पढ़ेंगे, हमें तो आ ही गया है ना, कहीं एग्जाम में बैठो सफलता एकदम आपके हाथों में रहे, ताकि ऐसा नहीं फिर पढ़े किसी टीचर तब जाके एग्जाम दे, ये वाला काम नहीं होना चाहिए। चले आगे, आवाज नहीं आ रहा है दोस्त, आवाज नहीं तो चले आगे। तो तीसरी अगर पॉइंट इसमें बात करें, विदाउट, विदाउट क्या लिखेंगे भाई साहब, विदाउट यूजिंग, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इन शब्दों का प्रयोग, तब हम लोग इसे कहेंगे मेटाफर। अगर इन शब्दों का प्रयोग कर दिया गया इसे हम बोलेंगे सिमिली। और दूसरी बात मेरे भाई साहब, थोड़ा समझने का प्रयास करना, सिमिलर चीजों में तुलना होगा, किसमें होगा, मतलब जो तुलना करेंगे वो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा, वो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा, ये बताओ। हम कह रहे हैं तुम चट्टान की तरह हो, ये डायरेक्ट हो रहा है कि इनडायरेक्ट हो रहा है, हम बोले तुम चट्टान हो। अब मेरे भाई साहब दोनों मंत्र क्या दिख रहा है, कौन तुम चट्टान हो, तो ये क्या बोला जा रहा है, ये डायरेक्ट तुलना किया जा रही है, ये क्या है डायरेक्ट, जो तुलना हो रहा है ये डायरेक्ट हो रही है, और लेकिन हम बोले तुम चट्टान की तरह हो, मतलब वो देखो इनडायरेक्ट में तुलना हो रही है, तुलनात्मक तुलना तो कर रहे हैं लेकिन किस तरीके से कर रही है बात समझ में आना चाहिए। तो ये चौथे पॉइंट की अगर बात करें, चौथे कड़ी की बात करें मेरे भाई साहब, इनडायरेक्ट कंपेयर, क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कंपेयर, कंपेयर तो करेंगे मेरे भाई साहब लेकिन वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट लेकिन कंपेयर तो करेंगे लेकिन वो कैसा होगा मेरे भाई साहब, डायरेक्ट कंपेयर होना चाहिए, डायरेक्ट तुलना होना चाहिए, तभी हो पाएगा नहीं तो फिर वह गलत हो जाए। सही है, बात समझ में आया, कुछ कुछ समझ में आया है, क्या अब हम परिभाषा लिख सकते हैं, बनाने योग्य हो गए हैं कि नहीं, ये बताओ परिभाषा बनाने योग्य हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, तो क्या लिखेंगे, इट इज यूज, सिमिली लिखा यहाँ पे लीगा लगा दिया ऐसे, इट इज यूज टू कंपेयर बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स हैविंग वन क्वालिटी सेम, यूजिंग एज लाइक एज शोड इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, खत्म, परिभाषा पूरा सामने लगा है, नहीं आया, कहां पे लिखा मैंने सिमिलर, सॉरी 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 सॉरी, पूरी वाट लग गई, सिमिलर कैसे लग गया, बताया यहां डिफरेंट, तो यहां सिमिलर कैसे हो गया, इसमें भी वही गलती होगा फिर,
देखो मेरे भाई सब सिमिलर कैसे लिख दिया गया, यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डिफरेंट, सिमिलर हो जाएगा तो और डिग्री हो जाएगा मेरे भाई साहब। अभी तो समझाया और फिर लाइन कैसे गलत हो गया, ये डिफरेंट हो जाएगा मेरे भाई साहब, क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। थोड़ा अब बातें बोलिए, देखिए, इट इज यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स हैविंग वन क्वालिटी सेम यूजिंग एज लाइक सो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। अब इधर इट इज यूज टू कंपेयर बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स हैविंग वन क्वालिटी सेम विदाउट यूजिंग एज लाइक सो। बस डिफिनेशन खत्म मेरे भाई साहब, डिफिनेशन बनाना देखो आपके हाथ में है, तो आपको कड़ी सिखा रहे हैं, उस कड़ी सिकंजा कैसे उत्पन्न किया जाता है, कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए थोड़ा सा गलती यहाँ पे जो हुआ था दोस्त, ये सिमिलर नहीं होगा, सिमिलर होगा तो डिग्री ना हो जाएगा, सिमिलर होगा तो क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोर से बोलो, क्या हो जाएगा? तो डिग्री होगा तो मेरे भाई साहब डिग्री पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? तो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, तो फिर डिफिनेशन में क्या होना चाहिए? इट इज यूज टू कंपेयर बिटवीन टू डिफरेंट थिंग हैविंग वन क्वालिटी सेम एंड यूजिंग विदाउट एंड यूजिंग एज लाइक सो इज नोन एज फिगर ऑफ स्पीच। लग रहा है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? इज नोन एज सिमिली। क्लियर? चलो मेटाफर का एक बार डिफिनेशन बोलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, तब बात समझ में आएगा, बात पक्की पक्की या कच्ची कच्ची। आ जाओ यहाँ पे, It is also used to compare between two different things having one quality is same and without using as like so is known as metaphor. ठीक? Yes sir. शाबाश, नोट कर लीजिए फटाक से। चलो बहुत अच्छा। तो दोस्त अगर एक बात किया जाए तो हर व्यक्ति में निगेटिव दिखता है और निगेटिव आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस निगेटिव को कैसे पॉजिटिव बना सकते हो। निगेटिव चीज सबसे पहले नजर आता है हर व्यक्ति में, अच्छाई तो नजर सबसे पहले तो नहीं आता है, अच्छाई हमेशा सबसे बाद में आता है। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति में कुछ भी नजर आता है तो बुराई सबसे पहले झलकता है। तो बुराई झलकता है क्योंकि ये स्वाभाविक है, प्रकृति का नेचर ही है, ऐसा कहता है। लेकिन प्रकृति के नेचर के अनुसार ये चलोगे तो आप बिखर जाओगे मेरे भाई साहब। अगर हम बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति के अंदर बुराई अगर नजर आ रहा है तो उसके अंदर अच्छाई भी तो होगा, उस बुराई को हम काट सकते हैं। लेकिन कैसे काट सकते हैं? हमारे पास सुविधा है, हमारे पास सुविधा है अगर उस विचार का अगर हम होंगे तब, नहीं तो फिर ये बुराई कट नहीं पाएगा। वो जो बुराई दिया है और बुराई कर देते हैं हम लोग उसमें, जिसके कारण और निगेटिव की तरफ भाग जाता है बात। जैसे लेटर सपोज दैट अगर हमसे आपसे पूछे लेमन क्या है मेरे भाई साहब, तो कहेंगे दिस इज द नेगेटिव एनर्जी, दिस इज द नेगेटिव एनर्जी। अगर हम बोले अपने पास शुगर मेरे भाई साहब क्या है, शुगर क्या है, दिस इज द पॉजिटिव एनर्जी, शुगर इज द पॉजिटिव एनर्जी एंड लेमन इज द नेगेटिव एनर्जी, दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव। अब आपने एक ग्लास पानी लिया, उसमें नींबू डाल दिया मेरे भाई साहब, अब पूरा नेगेटिव ही नेगेटिव हो गया है, पूरा क्या हो गया है? नेगेटिव। अगर चीनी डाल दिया बन गया शरबत, पी गया कि नहीं पी गया? घोर के पी गया ना, जैसे पिया तो ये बताओ हमारे शरीर में गया, फायदा करेगा नुकसान करेगा? अब ये बन गया शरबत, पी गया माई भाई, भाई सब पीने की औकात नहीं है इस समय। जो नेगेटिव दिया जा रहा है ना उसे हम उबाल के फेंक दे रहे हैं और नेगेटिव में नेगेटिव हो गया। लाइक एक एग्जांपल की तरफ आपको रिलेट करवाते हैं तब आपको बात समझ में आएगा। आपके पास 32 दांत है, लेटर सपोज दैट आपके पास 32 दांत है, 32 दांत में अगर एक दांत टूट जाए तो मेरे भाई साहब जो जीभवा आपका है ना, जो जीभ है किधर जाएगा, किधर जाएगा? उसी एक दांत के पीछे भागेगा, इसे करेगा बार बार, शायद करता होगा, करता होगा कि नहीं करता होगा? तो 32 दांत में वो अच्छाई नहीं देख रहा है, कहां देख रहा है? किधर टूटा, किधर बुराई है, उधर की तरफ अग्रसर हो गया मेरे भाई साहब। क्या बात समझ में आया? हर व्यक्ति में बुराई नजर आता है, तो अपने आप को थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करिए, बुराई से थोड़ा हटिए, बुराई मत देखो, उस बुराई को आपके ऊपर डिपेंड करता है, पॉजिटिव ही बना सकते हो। चले दोस्त फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर प्रैक्टिस कराया जाए, प्रैक्टिस से बातें समझ में आएगा कि नहीं आएगा?
अभी तक जितना फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा, अगर यहाँ तक देखा तो अभी कुछ नहीं पढ़ा है मेरे दोस्त, अभी तो बाकी प्रैक्टिस है, अभी तो बाकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक बातें जाहिर नहीं हो पाएगी। तो बातों को जाहिर करने के लिए प्रैक्टिस, बार बार, अब की बार, बार बार, अब की बार। चलिए मेरे दोस्त, बार बार का नारा है, फंक्शन भेज रहा, पढ़ना है तो पढ़ना है, फंक्शन भेज रहा, पढ़ना है, शाबाश। पहला एग्जांपल की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा समझने का प्रयास करना आप लोग, जहां तक समझ में नहीं आएगा तुरंत बोल देना, बात सर जी नहीं समझ में आया है, थोड़ा मुझे बताने का प्रयास करिए फिर से, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम है एक सिंपल वर्ड लिखेंगे, फिर लिखेंगे बात थोड़ी सी बढ़ा के, ठीक है ना। जैसे हम बोले यू राइट, सॉरी ही रन्स फास्ट ही रन्स स्लोली, क्या लिख दिया, ही रन्स स्लोली। अब हम आपसे पूछ रहे हैं अगर आप दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते हैं, यहाँ बताइए वह दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है, कैसा दौड़ता है मेरे भाई साहब, धीरे, वह धीरे दौड़ता है, वह दौड़ता है लेकिन कैसा दौड़ता है, धीरे दौड़ता है, कैसी बात बोली गई है, जरा बताने का प्रयास करो भाई। दिस इज द सिंपल सेंटेंस, अपना एक सिंपल सा ये सेंटेंस है मेरे भाई साहब, ये अपना एक सिंपल सा क्या हो गया है, सेंटेंस। लेकिन हमें पढ़ना फिगर ऑफ स्पीच है, रिलेट भी करना है मेरे भाई साहब, सही समझ में आ रहा है ना। तो अगर हम बात करें और यहाँ पर इसी का जस्ट मोटिवेट लेते हैं, ही रन्स वो दौड़ता है लेकिन कैसे दौड़ता है, लाइक टॉर्टोइज, टॉर्टोइज, टॉर्टोइज। और हमने क्या बोला ऊपर अभी, ही रन स्लोली वो धीमे दौड़ता है, और नीचे बोल दिया ही रन्स लाइक टॉर्टोइज और टॉर्टोइज, ठीक है ना। वह कैसा दौड़ता है मेरे भाई साहब, एक कछुए की तरह दौड़ता है, मतलब इतना धीमे दौड़ता है, अभी तो स्लोली था ये तो समझ में आ रहा था बात, लेकिन हमने उसी बात को इतना चढ़ा के बोल दिया, मन में, मन से ये सवाल आ रहा है, इतना धीमा कौन दौड़ता है मेरे भाई साहब, कछुआ की चाल से दौड़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। हमने क्या बोल दिया, वह दौड़ता है एक कछुए की तरह, किसकी तरह, नहीं समझ में आया, नहीं आया। तो मेरे भाई साहब थोड़ा प्रयास करना, ये क्या है आप ही मुझे बता दो, एक वर्ड यहाँ पर है, एक चीज यहाँ पर है, एक चीज यहाँ पर है और एक चीज यहाँ पर है, एक चीज यहाँ पर है, अब दोनों में तुलना हो रही है मेरे भाई साहब, यहाँ पर दोनों में तुलना हो रही है, ये चीज अलग है और ये चीज क्या है, अरे ये तो कछुआ ना है, दूसरे जाति का ना है, ये किस जाति का है, मानव जाति का, इसकी तुलना किससे हो रहा है मेरे भाई साहब, इस कछुए के साथ, डिफरेंट चीज है कि सिमिलर चीज है, डिफरेंट चीज है ना, तो डिफरेंट चीजों में इसमें समानता क्या मिला है, दौड़ने का मेरे भाई साहब, ते दौड़ने की समानता मिली है, जो दौड़ रहे दोनों को क्वालिटी में ऐसे कर रही है मेरे भाई साहब, इसलिए इसे हम लोग बोल दे रहे हैं दिस इज द सिमिली, दिस इज द सिमिली, दिस इज द सिमिली। कौन सा फिगर आप इस पीछे मेरे भाई साहब, अगर हटा देना, देखा अगर हटा देना, नहीं आया, आ गया, अभी थोड़ा देखो मेरे भाई साहब, ही रन्स। चलो देखो भाई, अगर हमने लगा दिया अभी लाइक लगाया था तो समझ में आ रहा था, ही इज अ टॉर्टोइज, हुआ क्या है, कछुआ है, लेकिन कैसे कछुआ है, इन द रेस, दौड़ में, दौड़ में बिल्कुल क्या है, मैंने उसे कछुआ बना ही दिया, कछुआ नहीं है अब, वो कछुआ सचमुच का है, मतलब पूरी की पूरी क्वालिटी वही है, ठोक ठाक के, उसके जैसा नहीं है, देखो डायरेक्ट तुलना किया गया है, जो तुलना हुआ है कैसा हुआ है, डायरेक्ट वही ठोक दिया, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए अभी ऊपर वाली बात लिखा गया, ही रन्स वो दौड़ता लाइक अ टॉर्टोइज, कछुआ की तरह, मतलब उसके गुण कछुए की तरह थोड़ा मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, ही इज अ टॉर्टोइज इन द रेस या इन द रनिंग, दौड़ में या रेस में, ठीक है ना। दौड़ में वो कैसा है, कछुआ है, कछुआ, कछुआ है, कैसा है वह,
आ गया। ये बताओ कौन सा फिगर आप स्पीच है। ये दोस्तों बोलेंगे मेटाफर। ये जो मैंने लिखा अभी ये पूरा फिगर, ये सेंटेंस जो लिखा है ये है मेटाफर। क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई को? नहीं आ रहा है? थोड़ा बताने का प्रयास करना। एक और लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? एक और। ये अलग चीज है और ये क्या हो गया मेरे भाई साहब? अलग चीज है। और इन दोनों में तुलना हो रहा तक नहीं हो रहा? तुलना हो रहा है कि नहीं पहले बताओ? तुलना तो हो रहा है लोग, लेकिन दोनों में क्वालिटी भी सेम है कि नहीं है? लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको यही बना दिया, तो ये हो गया मेरे भाई साहब मेटाफर। लेकिन ये चीज बनाया नहीं गया, तुलना किया गया, उसकी क्वालिटी मैचिंग कर रहा है और ये इनडायरेक्ट तुलना किया जा रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं मेरे भाई साहब? शिमली। सही है ना? अगर हम बोल रहे हैं मेरे भाई साहब ही रन्स, थोड़ा और थोड़ा लाइक बढ़ाइए इसमें, ही रन्स लाइक हिज ब्रदर। ठीक है ना? इधर देखो, हमने क्या लिख दिया मेरे दोस्त? ही रन्स लाइक हिज ब्रदर, वो अपने भाई की तरह दौड़ता है। कैसे दौड़ता है बताओ? तुलना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दो चीजों में तुलना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो तुलना तो यहाँ भी हो गया। देखो भाई साहब, अब यही बात होता है, डिग्री नहीं पढ़ा पाते हैं, इसीलिए टीचर वह परेशान है कि फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाते हैं और इसमें अगर ये डाल दिया गया तो कहेंगे अरे तो सिमिली ऑटोमेटिक है, इसको देख कर बोलेगा, इसको कहेगा लाइक का प्रयोग हुआ है ना, एज का प्रयोग हुआ है ना, सो का प्रयोग हुआ है ना, कहेगा सिमिली तुरंत घसघसाए के ठोका को। मैं कहा है तुसे पूछना किसके किसके बीच तुलना लिखवाएगा, असली बात कहता कौन है? फिगर ऑफ स्पीच कहता क्या है? अलंकार कहता क्या है? अलंकार कहता क्या है? अलंकार का मतलब शोभा बढ़ा, जैसे शादी विवाह में लड़की का शोभा बढ़ा दिया जाता है, किसके माध्यम से? आभूषण के माध्यम से, वस्त्र के माध्यम से, तमाम प्रकार से ब्यूटीशन क्वालिटी डाला जाता है, तब जाके उस लड़की की क्वालिटी, नहीं तो फिर नॉर्मल है वैसे कोई ना ही ना, अच्छा नहीं लगेगा, कहेंगे लड़की खराब है यार, लड़की तो अच्छी थी। नहीं समझ में आ रहा है ना? तो वहां पे भाई आभूषण कुछ शब्द है ना, तो हम लेकिन हम लोग फिगर ऑफ इस शब्दों को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? इसमें क्या जरूरत है? शब्द का पावर। यही शब्द का पावर समझ में आ रहा होगा, शब्दों में भी पावर होता है क्या? होता है। नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? कुछ कुछ आ रहा है कि पूरा आ रहा है? अरे बताओ मेरे भाई साहब, सब आ रहा है? उड़ा दे तब बताओ, फिगर ऑफ स्पीच है क्या है ये? अरे डिग्री मेरे भाई साहब, इतना अच्छा आप लोग हो गए हैं इतना जल्दी? अरे क्या यार, हम तो नहीं समझते थे कि इतने जल्दी बन जाओगे इतने अच्छे। अभी तो चार छठ मारेंगे ना एग्जाम्पल, हवा मुड़ोगे, वाह, अब दोबारा कभी जिंदगी में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बजा के ले चले कि ठोक के ले चले? ठोक के और बजा के दोनों से ले चलिए सर, और तब मजा आएगा। जितना रौनक आप देंगे उससे ज्यादा रौनक तो आप लोग देंगे, है ना? तो बताओ मेरे दोस्त, ये क्या है? दिस इज द डिग्री, दिस इज द डिग्री, यह है मेरे पास दोस्त डिग्री है। ये नॉट सिमिली, नॉट सिमिली, सिमिली नहीं है। क्या नहीं है? सिमिली नहीं है। क्या बात, पक्का पक्का? अगला एग्जाम्पल नोट डाउन करिए मेरे भाई साहब, चले आगे दोस्त, बहुत अच्छा। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? तो मैंने बताया, एक तो लाइफ की तुलना भैया साहब ड्रीम से हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है? ये चीज अलग होती है और ये चीज क्या होती है? अलग। और इन दोनों में तुलना किया जा रहा है, ध्यान देने का प्रयास करो, डायरेक्टली तुलना कर रहे हो, अभी तुलना तो हो रही है लेकिन किस प्रकार से? लेकिन दोनों में सिमिलर क्या है? इमेजिनरी बातें। लाइफ भी इमेजिनरी है, काल्पनिक है, और ड्रीम भी कैसी है मेरे भाई साहब? काल्पनिक होती है ड्रीम, सपना अगर वो सच्चों का होता तो फिर सपना काहे देखते हैं भाई? नहीं समझ में आ रहा? तो इमेजिनरी दोनों में जो क्वालिटी मिलेगा वह कौन सा क्वालिटी अलग मिलेगा मेरे भाई साहब? समझ में आ रहा है? तो हमने बोला लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ क्या है? सपना है, सॉरी, जीवन क्या है मेरे दोस्त? सपना है। तो ये बताओ कौन सा
कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो मेटाफर है। क्या है मेरे भाई साहब? मेटाफर है। क्या है मेरे भाई साहब? यह है दोस्तों मेटाफर। ये क्या है? मेटाफर। अगर हम बोल दिए होते दोस्तों लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, अब जरा बताना मेरे दोस्त ये क्या हो गया? याद करने की जरूरत है नहीं ना, तो बताओ ये क्या हो जाएगा? सीधी सीधा सिमिली। नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो बता देना। अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे दूसरा, ये पहला एग्जाम्पल था और ये क्या था? सही समझ में आ रहा है ना? तो अगर हम अगला एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, जितना हो सके उतना एग्जाम्पल लगाते चलो भाई साहब। मोहन इज अ फॉक्स। जरा बताना ये क्या है, कौन सा अलंकार है? मोहन इज अ फॉक्स। सिंपल लैंग्वेज नहीं है, ध्यान देना, डायरेक्टली आपको मिला होगा जब कौन सा लेंचो वाले चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां लिखा गया लेंचो इज अ बुल। लेंचो बुल नहीं, लेंचो बुल की तरह तुलना को करना है, इसीलिए तो पढ़ा नहीं गया। सीधा बोल मोहन का है लोमड़ी है, लोमड़ी। अरे लोमड़ी नहीं है मेरे भाई साहब, पूरी के पूरी क्वालिटी लोमड़ी का दे दिया गया है। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है तो जरा बताना, मोहन इज अ फॉक्स, ये कौन सा फिगर आप इस पीछे है? अरे बोलो जल्दी से। अरे मेटाफर है। क्या है यार? मेटाफर है। ये क्या है मेरे भाई साहब? यह मेटाफर है। इस मोहन में और लोमड़ी में जो भाई साहब कॉमन क्वालिटी मिलेगा वह है कनिंग, CUNNING, चतुराई का। मेरे भाई साहब इसके अंदर चतुराई, लोमड़ी के अंदर का क्वालिटी कौन होता है? चतुराई का मेरे भाई साहब। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि मोहन क्या है मेरे भाई साहब, इसके अंदर भी चतुराई बहुत तगड़ा है। और भैया सब कनिंग मतलब बिल्ली की चलाकी देखे कि नहीं, उसकी चलाकी को कनिंग बोलते हैं। वैसे तो क्या होता है? क्लीवर होता है, लेकिन सिंपल भाषा नहीं लिखा गया है तो आपको समझने का मतलब कितना कनिंग, कितना चतुर, बहुत ज्यादा चतुर है यह। तो क्या ये भी बहुत ज्यादा चतुर होता है? हाँ भाई साहब, आ रहा है कुछ कुछ। अगर हम यहाँ पे लिख दिए होते इसी का मोहन इज एज अ फॉक्स, मोहन एक लोमड़ी की तरह है, लोमड़ी के जैसा है। कैसा है? नहीं समझ में आ रहा है। मोहन इज लाइक अ फॉक्स, मोहन इज लाइक अ फॉक्स, या मैंने लिखा मोहन इज एज अ फॉक्स, मोहन किसके जैसा है? मोहन लोमड़ी के जैसा। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? क्या ये बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। यहाँ देखो एक लोमड़ी हो गया, एक मोहन हो गया, ये चीज अलग है और ये चीज क्या है? अलग है। दोनों अलग अलग है कि नहीं? कंपेयर हो रहा है कि नहीं मेरे भाई साहब? कंपेयर भी हो रहा है। तो बताओ कौन सा मेटा, कौन सिमिली हो जाएगा, कौन सा अलंकार होगा? यह सिमिली। बताओ, याद करने की जरूरत है कि जुबान में जा रहा है, खोपड़ी में जा रहा है थोड़ा। दूसरा लगा एग्जाम्पल, चलो बहुत अच्छा, चले भाई आगे। दूसरा अगर बोल रहे हैं दोस्तों कर्नल फॉर्ट्स, ठीक है ना? कर्नल लड़ा मेरे भाई साहब, लेकिन कैसे लड़ा? बहादुरी से लड़ा। अभी बताओ सिंपल सेंटेंस है कि नहीं है यार? ये कैसा सेंटेंस है? दिस इज द सिंपल सेंटेंस हमने लिखा मेरे भाई साहब, कोई इसमें कोई कुछ नहीं है, ये सेंटेंस है आपका, नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है ना? ये क्या है मेरे भाई साहब? ऐसे बोल दिया एकदम आराम से, कर्नल लड़ा। कैसे लड़ा मेरे भाई साहब? बहादुरी से लड़ाई किया है। कैसे लड़ाई किया है? ठीक है, लेकिन अगर हमने बोल दिया इसी चीज को कर्नल, मेरे भाई साहब कर्नल फॉर्ट, कर्नल फॉर्ट, FOUGHT, फॉर्ट लाइक अ लायन, एक शेर की तरह लड़ा भाई साहब। ये बहादुरी सब बोले, अब बात की क्वालिटी बदल गई कि वही रह गई है? नॉर्मल शब्द बदल गई। नहीं समझ में आया बात? आ रहा थोड़ा थोड़ा? अरे नहीं आया मेरे भाई साहब, थोड़ा समझिए। देखिए क्या बोला मैंने, कर्नल फॉर्ट, कर्नल ने लड़ाई किया। कैसे लड़ाई किया? शेर की तरह, मतलब अटैक किया, जैसे शेर करता है लड़ाई ना, उस तरह से अटैक किया है। सही समझ में आ रहा है ना? वैलिडिटी बढ़ा दिया गया थोड़ा सा। अगर हम बोल दे रहे हैं दोस्तों कर्नल इज अ लायन,
अलग अलग है, तीन सेंटेंस लिखा है और तीनों सेंटेंस अलग अलग है, क्या बात समझ में आ रहा है? ये पोयम में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं फिगर ऑफ स्पीच। कहां भाई साहब? पोयम में। पोएट्री जब पढ़ाई करते तो वहां देखना हर लाइन में भीड़ आया है फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच। तभी तो उस कवि का, पोएट का सम्मान बढ़ जाता है। क्यों बोला जाता है कविता लिखना इतना कठिन है? ठीक है, चले आगे। तो दोस्त मैंने तीन सेंटेंस लिखा, तीनों अलग अलग है, तीनों क्या है लेकिन बात एक जैसा, तीनों में तुलना हो रही है। यहां देखो, कर्नल फॉर्ट ब्रेवली, कर्नल ने कैसे लड़ा? बहादुर से। अगर हम यही बहादुर से लड़ा तो किसकी तरह लड़ा? अब यहां देखो, कर्नल फॉर्ट लाइक अ लायन, कर्नल शेर की तरह लड़ा, किसकी तरह लड़ा है? तो यहां देखो, कर्नल अलग हो गया और यहां देखो अ लायन क्या हो गया? अलग चीज हो गई, हो गई कि नहीं? और इन दोनों अलग अलग चीजों में तुलना हो रही है मेरे भाई साहब, अलग अलग चीजों में तुलना हो रही है क्या? तुलना भी हो रही है, लेकिन वह उसके जैसा है, वो पूरा वही वही नहीं है। सही समझ में आ रहा है ना? वह वही नहीं है, वह उसके जैसा है। तो अब यहां देखिए, शब्द क्या आया? लाइक आया है। अब जो ये लाइक लगाएगा तो काम कर जाएगा, अब काम करेगा कि नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं, तुलना भी हो रही है। अब ये लाइक जो आ रहा है प्रीपोजिशन है, अब ये काम करेगा किसका मेरे भाई साहब? सिमिली का। अब ये सिमिली का काम करेगा, जब लगा रहेगा लाइक, पहचान है सिमिली का, लाइक एज सो लगा हुआ मिलेगा तभी सिमिली होगा, लेकिन दोनों अलग अलग चीजों में तुलना होना चाहिए तभी हम सिमिली बोल पाएंगे। ठीक है ना? अलग अलग चीज नहीं है और लाइक भी आया है, तब तो मेरे भाई साहब ये डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। तो बताइए मेरे दोस्त, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? दिस इज द सिमिली, दिस इज द सिमिली। क्या बात, पक्का पक्का या कच्चा कच्चा? पक्का पक्का। हमने बोला कर्नल इज अ लायन, कर्नल क्या है? शेर है, इन द फाइट, लड़ाई में। अरे भाई शेर है क्या? शेर है क्या? तुलना हो रही है ना, लेकिन कैसे हो रही है? डायरेक्ट बोल दे रहे हैं भैया साहब, इनडायरेक्ट नहीं। कैसे बोल रहे हैं? अरे वो तो शेर है क्या है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। शाबाश शाबाश, आपके आंसू मोती के समान है। क्या समझ में आ रहा है? जो ओस गिरते हैं ना पत्तों पर सुबह सुबह, किसके जैसे हैं? मोतियों के समान है। कौन सा फिगर आप इसे? मोती अगर है तो ये मोती के जैसा है। क्या बात, नहीं समझ में आ रही है? आ रहा है, बहुत अच्छा। इतने तगड़े दोस्त हो जाएंगे कि पूछिए मत। अब जरा बताना, एक चीज यहाँ है और एक चीज कहाँ है? यहाँ पर है। दोनों में तुलना तो हो रही है, दोनों उसको ये बना दिया गया, लेकिन कहाँ पे? लड़ाई में। लड़ाई में कर्नल क्या है? पक्का पक्का शेर है, अब उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता। अरे शेर है, शेर शेर का जैसा नहीं है, पक्का शेर है यार। लड़ेगा ना तो मारेगा खपा खप, ठीक है ना? बोलो सही समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? दिस इज द मेटाफर, दिस इज द मेटाफर। बोलो बात, पक्का पक्का ना? शाबाश। अगर हम इसी को बोल दिए होते कर्नल, कर्नल फॉट लाइक हिज, लाइक हिज फादर, लाइक हिज फादर। अब मुझे बताओ मेरे दोस्त, कर्नल फॉट लाइक हिज फादर, यहां देखो तुलना इसमें और इसमें हो रहा है मेरे भाई साहब। सही बात गलत बात? सही बात, दोनों चीजों में तुलना किया गया है, लेकिन दो चीज में तुलना किया गया, लेकिन दोनों चीज क्या है? दिस इज द सिमिलर। दोनों चीजें कैसा है भाई साहब? सिमिलर है। दोनों चीजें क्या है? सिमिलर। सिमिलर चीजों में तुलना जब होता है तो इसे कहते हैं डिग्री, इसी को कहते हैं मेरे दोस्त डिग्री। क्या कहते हैं बोलो? डिग्री। इसी को कहते हैं डिग्री। लेकिन 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 यहां शब्द लाइक भी लगा, लाइक लगे चाहे भड़ुआ लगे कुछ भी लगे, उसे में कोई परेशानी होने वाला, हमें तो समझना है डिफरेंट चीजों में तुलना, डिफरेंट चीजों में, मतलब डिग्री बढ़ा दिया गया है। कर्नल की वैल्यूएशन यहाँ क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया, कर्नल की बात बढ़ाई गई है, सेंटेंस में पावर नहीं डाला गया है, डिग्री बढ़ाई गई है। मतलब अभी तो नॉर्मल बात था, लेकिन जो कर्नल लड़ा ना अपने पिता के जैसा लड़ा है। कैसे लड़ा है? लड़ाई किया? हाँ बिल्कुल, उसके पिता जैसे मारते वैसे वो भी मारा था, खचा खच। ठीक है ना? नहीं समझ में आया? आ रहा है। तो ये बताओ क्या हो गया? डिग्री हो गई। लेकिन ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया?
वाह, इतना तगड़ा भैया साहब। एक सेंटेंस और लिखे, अगर हमने बोल दिया कैमल, कैमल इज द शीप ऑफ द डिजर्ट, क्या समझ में आ रहा है? कैमल इज द शीप ऑफ द डिजर्ट, क्या बोलोगे? जल्दी बोलो, कैमल, सी ए एम ई एल, कैमल इज द शीप, कैमल, कैमल इज द शीप ऑफ द डिजर्ट। अब जरा बताइए, ऊंट जो है रेगिस्तान का जैसा है कि जैसा है पूरा? कैमल क्या है? ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते भी हैं। बताओ कौन सा फिगर आप स्पीच? नहीं आ रहा है? आ रहा है? पक्का पक्का? बोलो, सिमिलियो मेटाफर आ गया? स्टॉप लगा दे, स्टॉप लगा दे, पक्का पक्का?